नमस्कार भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन इनवर्स साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ। उसके बाद मैंने कहा था कि सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ थोड़ा सा लंबा जाएगा, उसको समझना है, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं इस क्लास में आपके सामने वही डिस्कस करने जा रहा हूँ, और जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं कि सेक इनवर्स सेक एक्स का ग्राफ और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो चलिए एक बार के लिए थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। हम लोग जो है सेक इनवर्स सेक थीटा को जो वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो इसके बीच में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा को जो है हम लोग यहां से यहां के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब ऐसा काहे हो रहा है, तभी हम लोगों को इस चीज के बारे में परिचर्चा करना और उसको जो हम लोगों को जान लेना है कि ये जो है हम लोग जान रहे हैं कि सेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ खींचे थे, जहां पे वो वीडियो लगाए हुए हैं, चौथा या तीसरा वीडियो होगा सेक इनवर्स उसको जाके जरूर देखिएगा, तो आपको वहां पे उसका डोमेन और रेंज का जो है क्या टेंशन है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को इस वीडियो में हम डील नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि वो हम पहले से बना करके रखे हुए। पर हाँ, यहाँ पर जो ये थोड़ा सा समस्या है, ये जो उलझन टाइप का जो ऐसे ऐसे करके इसको तरीके हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम कहाँ जा रहे हैं, पहले सेक इनवर्स सेक थीटा के लिए। तो हम इससे पहले जो हम देख लेते हैं सेक इनवर्स का ग्राफ हमारा क्या होता है। ठीक है, ये हमारा माइनस पाई बाई टू, ये हमारा माइनस पाई, ये माइनस थ्री पाई बाई टू। ठीक है, उसके बाद यहाँ है पाई बाई टू, यहाँ है पाई, यहाँ पर है थ्री पाई बाई टू। क्लियर है, ये वन है, यहाँ पर जो है हमारा माइनस वन है। अब जरा सा गौर कीजिएगा, सेक का जो वैल्यू है वो क्या होता है कि पहले जो वन होता है, वन से वो स्टार्ट होकर माइनस प्लस इंफिनिटी जाता है, फिर माइनस वन से माइनस इंफिनिटी जाता है, बीच में एक और माइनस एक के जो है कोई वैल्यू उसका लाइक नहीं करता है। ठीक है, यानी कि इसका ग्राफ जो है यहाँ से ऐसे करके स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा, और इसका जो है ठीक रिवर्स वाला जो ग्राफ है इसका, ये कुछ ऐसे करके जाएगा, है ना। अब देखिएगा, ये जो है पाई बाय टू पे हमारा माइनस इंफिनिटी है, और पाई बाय टू पे जो हमारा प्लस इंफिनिटी है कि नहीं है। अब अगली बात क्या है कि ये जो है कहा जीरो पर दे रहा है प्लस वन का वैल्यू, यहाँ पर देखिए जीरो पे हमारा ये प्लस वन का वैल्यू दे दिया है ना, और यहाँ जो माइनस वन वैल्यू दे रहा है दे रहा है पाई पे, यानी कि जीरो से पाई चला गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या किए, जीरो से पाई लेके गए। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद ये पाई बाय टू पे दोनों कॉमन है, अगर टू पे दोनों कॉमन है, तो यहां से एक तरह से पार्टीशन करिएगा कि जीरो से पाई बाय टू क्या, यहाँ देखिए जीरो से पाई बाय टू का जीरो पे वन, यहाँ पे प्लस इनफैक्ट जीरो से पाई बाय टू। ठीक है, जीरो से पाई बाय टू, उसके बाद जो हमारा क्या है पाई बाय टू से पाई चला गया, तो पाई बाय टू से पाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस इंफिनिट और यहाँ पे फिर से वन आ गया है ना, तो जीरो से पाई बाय टू और पाई बाय टू से पाई चला गया। क्लियर है, यानी कि इसी के बीच में आपको उसको रेस्ट्रिक्ट करना है। अब इसका डोमेन हमारा क्या होता है, माइनस इंफिनिट से वन और वन से इंफिनिट, इसका यूनियन। यहाँ देखिएगा इंफिनिट से वन और यहाँ माइनस इंफिनिट से माइनस वन, इसका यूनियन काहे की, क्योंकि बीच में जो ई वाला पार्ट है यूज में नहीं आ रहा है, इसको डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते, हम यहां से यहां तक उसको लिए, उसको जो यूनियन करके बीच वाला पार्ट को हम लोग जो है घटा देते हैं, और ये जो हट जाता है तो यहां से यहां वन टू इंफिनाइट और माइनस वन इधर माइनस इंफिनाइट, माइनस इंफिनाइट से माइनस वन और वन से इंफिनाइट का यूनियन। क्लियर है, अब हम क्या बोले जीरो से पाए, तो जीरो से पाए की होता है, कहीं जीरो पे हमारा प्लस वन है, पाए पे हमारा क्या है माइनस वन है, लेकिन पाई बाय टू जो है दोनों के लिए आ रहा है, किसके लिए प्लस इंफिनाइट और माइनस इंफिनाइट दोनों के लिए। तो हम जानते हैं कि ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, इसीलिए जो है हम इसमें से इसको घटा दिए। तो ये हमारा क्या चीज का हो गया, सेक इनवर्स का ई वाला पार्ट हम लोग समझ गए कि ऐसा काहे लिखा हुआ है। अब यही तरह से हम लोग एक दर्शन जो है कर लेते हैं, किसका, कोसेक इनवर्स का दर्शन कर लेते हैं। बड़ा अच्छा मंदिर में बना हुआ है और उसका हम लोग दर्शन करने आ जाते हैं। ठीक है, प्लस वन है, ए बी माइनस वन, ऐसे इधर उधर लाइन नहीं करता, मतलब प्लस वन से जीरो, यानी प्लस वन से माइनस वन के बीच उसका वैल्यू लाइन नहीं करेगा, प्लस वन से जीरो, जीरो से माइनस वन लाइन नहीं करेगा, समझ आ रही है बात। तो अब देखिए फिर इसका पाई बाय टू पाई थ्री पाई बाय टू तक हम लेके जा रहे हैं, माइनस पाई बाय टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाय टू तक हम इसको लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा कोसेक जो है जीरो पर क्या होता है इंफिनाइट होता है, कोसेक जीरो पे क्या होता है इंफिनाइट होता है, और पाई बाय टू का जो हमारा हो गया जब उसका पाई बाय टू वैल्यू कब आता है जब प्लस वन होता है, यानी कि एस के इंफिनाइट से ये जो होता है ये हमारा जीरो में शुरू होता है, पाई बाय टू पे जाकर के जो है ये हमारा वन का वैल्यू दे देता है।
और फिर यहां से ऐसे करके घूमता है और ये पाई पे जाकर के हमको फिर से प्लस इनफिनाइट देता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ जो माइनस इनफिनाइट से भी आता है पाई बाई टू माइनस में जाने के बाद माइनस वन वैल्यू देता है और फिर यहाँ पर भी जो है इनफिनाइट में गुजर जाता है। क्लियर? अब एक चीज को देखिएगा, अब ये जो इतना जो बात हुआ इसमें जो है ये जो जीरो है इन दोनों के लिए कॉमन है, जीरो जो है इन दोनों के लिए हमारा कॉमन है ना। तो यहाँ देखिएगा ये क्या कह रहा है कि माइनस पाई बाई टू में चूंकि माइनस वन आ रहा है, यहाँ पर माइनस वन आ रहा है, माइनस पाई बाई टू प्लस वन कहाँ कह रहा है, प्लस पाई बाई टू कह रहा है, तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जाएगा जाएगा ना, लेकिन ये जीरो जो है वो दोनों में आ रहा है, प्लस इनफिनाइट के लिए भी आ रहा है माइनस इनफिनाइट के लिए भी आ रहा है। तो फिर इसमें वही चीज लगाएंगे एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, कहे कि दोनों कॉमन है, तो इन दोनों को जो है हम उसको हटाए और हटाए तो हम यहाँ पर जो है माइनस जीरो लिख दिए। ठीक है? अब एक चीज को देखिएगा, माइनस इनफिनाइट से माइनस वन गया और प्लस इनफिनाइट से प्लस वन गया, तो माइनस इनफिनाइट से माइनस वन और प्लस वन से जो है हमारा इनफिनाइट तक गुजर गया। ठीक है? अब एक बात को समझिएगा जरा गौर से, हम यूनियन काहे लगा रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक का वैल्यू को हम यूज नहीं कर रहे हैं, और चूंकि वो सेपरेट है तो हम डायरेक्टली उसको जो है उसके साथ में लिख सकते हैं, मतलब उसको यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक आर हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ तो हमको जो है माइनस वन से प्लस वन को यूज नहीं कर रहा है, उसको हटाए तो यहाँ से यहाँ पे वो पार्टी है, यहाँ से यहाँ का पार्टी है, दोनों का यूनियन हम यहाँ पर ला करके लिख दिए, माइनस इनफिनाइट से माइनस वन, यहाँ जो वन से इनफिनाइट, ये आ गया हमारा यहाँ पर। क्लियर? ये दो को बात हमारा क्लियर हो गया, डोमेन और रेंज कहाँ से इसका कैसे लिखा है इस तरह का, ये सब समझ में आ गया, थोड़ा सा अलग ढंग का है लेकिन समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, अब जो है ये जो माइनस इनफिनाइट वैल्यू है ये कहाँ पे दे रहा है हमको पहले ये चेक करना है इसमें, अब उस हिसाब से फिर हम लोग आगे भागेंगे। ठीक है? उससे पहले हम लोग इसका कर लेते हैं कि ग्राफ सामने में, इसका हम मिटा चुके हैं तो इसका हम जो है इसके बात करेंगे। देखिएगा सबसे पहला बात, इसका माइनस इनफिनाइट जो वैल्यू है, इसका माइनस इनफिनाइट वैल्यू हमको कहां जा रहा है, जीरो पे जा रहा है ना, यहां पर दे दिया। माइनस वन जो वैल्यू है इसका वो कहां पे जा रहा है, माइनस पाई टू पे जा रहा है, दे दिया हमने, दे दिया ना। अब जो है वन प्लस वन वैल्यू कहां जा रहा है, पाई बाई टू पे जा रहा है, यहाँ पाई बाई टू पे दे दिया हमने। अब जो है प्लस इनफिनाइट वैल्यू कहां जा रहा है, जीरो पे जा रहा है। हो गया? क्लियर है कि इस तरह से लिखने का क्या कारण है, ये बता रहा है कि कौन सा इसका जो पॉइंट है वो कहां पर आ रहा है, किस वैल्यू के लिए उसका कौन सा एंगल आ रहा है जहां की वो रिस्ट्रिक्ट होने जा रहा है। समझ में आ रही है बात? अब इसके बाद जो है हम लोग तनिक कोसेक को देख लिए, तो अब जो है थोड़ा सा सेक को देख लेते हैं। ठीक है? सेक में भी देखिएगा तो आपको लगभग वही सारा लक्षण नजर आएगा, इसमें जो है यहां से शुरू होता है, ऐसे करके शुरू होता है ना, और उसके बाद इसमें जो है यहां से ऐसे करके घूमेगा, ये हमारा क्या हो गया जीरो, और ये हमारा क्या हो गया पाई बाई टू। ठीक है? और ये हमारा क्या हो गया पाई, हो गया पाई पे वन, पाई बाई टू पे हमारा ये इनफिनाइट चला गया और जीरो पे वन है ना। अब देखिए यहां क्या है, ये माइनस वन है, ये हमारा क्या है प्लस वन। देखिए अभी हम यहाँ एक्सेस वगैरह इसलिए नहीं बना रहे ताकि हम लोग ये चीज पहले पढ़ चुके, अब सिर्फ आपको बता रहे कैसे लाइक कर रहा है वो, कहां पे जो है एक दूसरे को कौन साइड कर रहा है, कहां से जो है अलग हो रहा है, हम ये समझने की कोशिश करें। यहां देखिएगा ग्राफ में माइनस इनफिनाइट से माइनस वन जा रहा है। ठीक है? तो माइनस इनफिनाइट से माइनस वन, यानी कि माइनस इनफिनाइट हमारा कहां है, यहां है, यहां से कहां जा रहा है, यहां पर जो है हमारा माइनस वन तक जा रहा है, तो कहां से कहां गया, तो पाई बाय टू, पाई बाय टू पे हमारा दे दिया है माइनस इनफिनाइट। अब यहां देखिए ये पाई पे दे दिया माइनस वन, अब यह चीज को गौर कीजिएगा, माइनस इनफिनाइट हमारा कहां पे दिया, पाई बाय टू पे, एकदम क्लियर है ग्राफ में, एकदम नक रहा है, एकदम क्लियर नक रहा है, देखिएगा एकदम दिख रहा है, आंख खोल के देखिएगा, कंफ्यूजन में रह जाइएगा, ग्राफ समझना एकदम जरूरी है, बेसिकली समझ जाइएगा तब फिर जाइएगा तो हम लोग क्वेश्चन डील करेंगे तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। एकदम से आश्वस्त रहिए, पहले बेसिक जैसे ही बना और आप लोग इसे बेसिक क्वेश्चंस करना शुरू कर दे, बेसिक आपसे बनने लगा तो फिर हम लोग एक खाली कॉमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग जेई मेंस एडवांस का क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ग्राफ को पहले समझिए। अब क्या है माइनस वन, तो माइनस वन हमारा कहां पर है भैया, पाई पर है, देख लीजिए माइनस वन हमारा कहां पर है, पाई पर है। क्लियर है? अब आगे थोड़ा सा देखिएगा कि क्या है हमारा वन है, वन है, वन कहां पर है भैया, ये हमारा वन कहां है, जीरो पर है, वन हमारा जीरो पर लाया था, वन के लिए जीरो दिया है। अब इनफिनाइट कहां है, तो पाई बाई टू पे है, तो देखिए इनफिनाइट हमारा पाई बाई टू पे है। समझ गए कि ये डोमेन कहां से आया, ये रेंज कहां से आया, ये इस तरह से कहा, इसका भी डोमेन कहां से आया, रेंज कहां से आया, ये कहा, देखिए ये चीज समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो चीज हम लोग समझ गए उसको हम लोग मिटा देते हैं,
बाकी जिसको रहने देते हैं, क्या हम लोग को जो है आगे में हेल्प करने जा रहा है, ठीक है। और जो है थोड़ा सा आप लोग जो है ना ग्राफ को अपने से खींचने का एक बार कोशिश कीजिएगा, यदि आप समझ गए इसका नोट्स बना के अपने से खींचने का कोशिश कीजिएगा, जरूरी हो जाएगा। अब हमको करना है क्या, जिससे कि मुझसे जाकर ग्राफ करना है। अब तभी को यहाँ पर गौर कीजिएगा और देखिए, ये चूंकि लाइव क्लास इसमें तो मतलब वीडियो है तो उसमें तो आप बोल नहीं पाइएगा, इसमें होता है कि देखिए हम लोग को क्या है ना कि आदत है कि क्लासरूम में पढ़ाने की। अब लगातार कोरोना महामारी के कारण हम लोग क्या है कि थोड़ा सा सुरक्षित रहना भी तो जरूरी है ना, सुरक्षित रहिएगा तो फिर आगे देश का भविष्य कौन देखेगा। तो सुरक्षित रहने के लिए घर में रहना जरूरी है, लगातार हाथ को धोना जरूरी है, सैनिटाइज करके रहना जरूरी है, दो गज दूरी और मास्क भी जरूरी है। तो ऑनलाइन आ रहे हम लोग का आदत है कि तनी मनी कभी कभी गलत नहीं देता, सही लिखिए है तो बोलता है कि ना भैया यहाँ गलत है, तो उससे संतुष्टि लगता है, क्या लगता है कि बच्चा समझ रहा है, नहीं समझा तो गलती कैसे पकड़ रहा है, बच्चा जब गलती पकड़ने लगे तो टीचर के लिए उससे ज्यादा खुशी का बात कुछ हो ही नहीं सकता है। पर यहाँ तो सिस्टम है नहीं, तो हम कोशिश करते हैं सही है सही है, लेकिन अगर थोड़ा खराब है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा क्या है भैया, इसको रिस्ट्रिक्ट कहा करना है, जीरो और पाई बाय टू से यूनियन करके पाई बाय टू से पाई। अब ये वो बात आपसे हम और कहेंगे, यहाँ पर एक क्लोज इंटरवल दिए, यहाँ ओपन दिए, यहाँ ओपन दिए, यहाँ क्लोज दिए, काहे दिए हैं कि ये जो है ना अनुबंध का जो सेट थ्योरी है उसके वीडियो में कंप्लीट डाला हुआ है कि ओपन कहाँ पर होगा और क्लोज कहाँ पर होगा, क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज को हम लोग डील करने जा रहे हैं कि आगे इसको कहां से कहां रिस्ट्रिक्ट करेंगे। यहाँ देखिए पाई बाय टू के डिफरेंस पे आगे बढ़ा, ई भी पाई बाय टू के डिफरेंस पे आगे बढ़ा, तो अब जो इसमें हम जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पाई से थ्री पाई बाय टू होगा, पाई से थ्री पाई बाय टू, क्लियर है। अब जो है अगला क्या हो जाएगा यूनियन, और ये हमारा क्या हो जाएगा थ्री पाई बाय टू से टू पाई, क्लियर है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वो ई एंगल ले लिए, अब थोड़ा सा इधर एक एंगल ले लेते हैं, इसमें जो है हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बोर्ड में जगह कम है, मेटा मेटा के कितना कीजिएगा, फिर पूरा डाटा भी तो लिखना है। अब इधर चलिए, इधर कैसे चलिएगा, अब ये वो कम गलते हैं हम लोग जो है तनि वो ये करते हैं कि आईना ही ऊपर ही लगा देते हैं, क्या लगा देंगे आईना, तो ये जितना प्लस वाला सब उधर करके माइनस लेते चले जाएंगे, तो जीरो से पाई बाय टू था ना भैया, हम इसको कर देंगे जीरो और यहाँ पर लिख देंगे माइनस पाई बाय टू, क्लियर है। अगला जो है ये पाई जो इस साइड बंद की तरफ है, बंद दरवाजा की तरफ, तो पाई को इस साइड में ले लिए और उसके बाद जो है कि हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये पाई हमारा माइनस में होगा और ये जो है हमारा माइनस पाई बाय टू हो जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो एक बनने वाला है देखिएगा, जीरो से माइनस पाई बाय टू में माइनस पाई बाय टू से हम माइनस पाई की हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम इस एंगल को भी एक बार इधर लेकर रिप्रेजेंट ले लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा उसके लिए, अब उसके लिए देखिएगा फिर से क्लोज ओपन क्लोज सॉरी ओपन और क्लोज बीच में यूनियन, भैया यहाँ माइनस पाई गए और यहाँ हमारा क्या है माइनस पाई से थ्री पाई बाय टू, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे माइनस पाई से माइनस थ्री पाई बाय टू। अब उसके बाद क्या है माइनस थ्री पाई बाय टू से टू पाई है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस थ्री पाई बाय टू और यहाँ पर लिखेंगे माइनस टू पाई, क्लियर है। इतना दूर हमको रेस्ट्रिक्ट करना, इतना को बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है ना, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब जो है हमको ग्राफ खींच लेते हैं, पहले ये को ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लेते हैं, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, ठीक है। अब ये हमारा हो गया जीरो ओरिजिन, क्लियर। अब ये को बात बताइए कहां से कहां जाना चाहिए, सेट का जो है जीरो से पाई था ना, जीरो से पाई के बीच में, तो ये जो ग्राफ है माने कि यहाँ प्लस पाई ले लिए और यहाँ पर जो है माइनस पाई ले लिए हैं, तो समझिएगा कि एक्सिस के नीचे आएगा ही नहीं, काहे कि इसको तो जीरो से पाई के बीच में घुस जाना है कि नहीं। अब कैसे घुसेगा हम लोग काम करके देखेंगे, ठीक है। अब जो है एक काम करें कि थोड़ा सा नीचे पे सबको सॉल्व करना शुरू करें, जैसे कि साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस इनवर्स कॉस एक्स वगैरह में किए थे वैसे ही। अब देखिए जब जो है व्हेन थीटा इज एलिमेंट ऑफ किसका, जीरो से पाई बाय टू यूनियन पाई बाय टू से पाई। अब देखिए पाई बाय टू तो दोनों में कॉमन है, हम उसमें घटाएंगे बढ़ाएंगे तो भी तो एक ही को पॉइंट हमको देने वाले, तो हमको उसको लेने का कोई जरूरत नहीं रहेगा, बाद में उसका भी यूज हम लोग कर लेंगे, लेकिन अभी तात्कालिक रूप से उसका कोई हमको जरूरत नहीं है। तो भैया हम इसको क्या लिखेंगे कि थीटा जो है ये जो जीरो से बड़ा है और यहां है, कोई दिक्कत नहीं ना है कि कोई दिक्कत है, तो ये तो अपना रेंज में है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्लियर है, इसमें कुछ नहीं करना है,
डायरेक्ट कैसे उतर जाएगा, क्या लिखेंगे कि क्या है sec इनवर्स sec थीटा बराबर थीटा का है, क्योंकि तो अपने घर में है इसको तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है हम यहाँ पर यू क्या मार करेंगे पाई, यहाँ करेंगे पाई बाय टू, यहाँ करेंगे थ्री पाई बाय टू, यहाँ पर कर लेंगे टू पाई। क्लियर? अब जो है कहाँ जाना है उसको, जीरो पे जीरो और पाई पे है ये पाई। क्लियर? अब अगला से हम क्या देखें कि पाई बाय टू दोनों में यूनियन है, तो यहाँ पर देखिए पाई बाय टू पे होना वो पॉइंट दे देंगे जहां से वो अपना यूनियन देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब पाई बाय टू पे दे रहा है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पाई बाय टू होगा, कंफर्म बात है, तो पाई बाय टू पे हमको दे दिया। क्लियर है? अब जो है अगला के लिए हम जा रहे हैं, अगला हमारा क्या हो रहा है, अभी हम यहाँ पे क्या लिख दिए, इसका वैल्यू क्या लिखे थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे थीटा बराबर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा घर क्या है हमारा, पाई थ्री पाई बाय टू क्लोज ओपन यूनियन, ओपन थ्री पाई बाय टू उसके बाद टू पाई क्लोज है ना, तो थ्री पाई बाय टू तो कॉमन है, उसको हम बाद में डील कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल थीटा को यहां पे लिख देते हैं, थीटा इज एलिमेंट ऑफ फलाना, तो पाई है सबसे छोटा, इधर लिखेंगे पाई लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। क्लियर? कि कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमको क्या करना है, यानी वो चीज को देखिएगा कि जीरो और पाई को हमको कर देना है। तो जीरो और पाई हम कैसे करेंगे ये वो सोचने का बात है। तो ये जो है ना, एक काम हम लोग करें कि पलट लेते हैं, तो टू पाई को इधर, ये चिन्ह को इधर, ये ऐसे और ये जो हमारा पाई। अभी वो चीज देखिएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज में तो हम लोग पढ़े हैं कि जो है या तो आप ग्रेटर देन को भी पलट के लेस देन में ले आइए, या तो सिंबल को आप बदल दीजिए। तो एक काम करेंगे हम लोग, क्या चीज, सिंबल को बदल देंगे। क्लियर है कि कोई दिक्कत है? अब जो है दोनों साइड हम क्या करने जा रहे हैं, टू पाई को जोड़ देंगे। क्या किया, टू पाई को हम दोनों साइड जोड़ दिए। अभी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, ये हो गया टू पाई माइनस थीटा, ये हो गया पाई, फिर से उस जगह पे आ गए। अब जो यदि हमको इस पे बेसिस पे क्वेश्चन आया, क्या चीज कि अब यदि जो थीटा, वेन थीटा इज एलिमेंट ऑफ पाई थ्री पाई बाय टू यूनियन थ्री पाई बाय टू टू पाई, तो अब हम क्या करेंगे, कॉस सॉरी सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर सेक इनवर्स सेक, यह मजरी राइट कर दीजिए, टू पाई माइनस थीटा, और ये सॉल्व होकर क्या देगा, टू पाई माइनस थीटा। क्लियर है कि कोई दिक्कत है, एकदम क्लियर है। अब हम इसको जो है मिटाने जा रहे हैं, यहाँ पे हम पाया टू पाई माइनस थीटा, हमको भी उसको लिख लेते हैं, और फिर जो बीच में थ्री पाई बाय टू है उसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उसको देख लेंगे टू पाई माइनस थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर जो है ये देखिएगा, एक चीज हम मिटा दिए, हम लोग को जो सॉल्व करके आया था वो टू पाई के लिए जीरो आया था, और पाई के लिए जो है हमारा पाई आया था, है ना, तो टू पाई के लिए जीरो आया। ठीक है, तो टू पाई हमारा कहां पर है भैया, टू पाई हमारा जो है यहां पर है, टू पाई पे जीरो, और पाई पे पाई आया था, तो पाई पे पाई आया था। चलिए अब जो है थ्री पाई बाय टू का क्या खेल है उसको हम लोग तनियो देख ले रहे, चूंकि थ्री पाई बाय टू पे यूनियन दे रहा है, यूनियन तो हम ऐसे भी अपने आप ड्रॉ करके दे सकते हैं, लेकिन जो है कटा पाई बाय टू के पास कैसे, इस चीज को देखना है। अब इसके लिए क्या है, टू पाई माइनस थीटा आया, तो टू पाई थीटा की जगह हमको क्या लेना है, थ्री पाई बाय टू, तो माइनस थ्री पाई बाय टू, दूरी चार पाई माइनस थ्री पाई बटे टू, यानी कि पाई बाय टू, देखिए फिर पाई बाय टू का कौन सा एक्ट रहेगा। क्लियर है कि कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़े तो हमको जो है एक काम और करना है यहाँ पर, क्या कि थीटा बराबर टू पाई माइनस थीटा लिख देना है। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए हम इसको जो है अब आगे बढ़ रहे हैं, अब अगला इसको पहले मिटा दीजिए। अब अगला हमारा क्या हो जाएगा भैया, इतना हम लोग काम कर लिए, ये काम कर लिया, इधर का काम बच गया, इधर का काम बचा कि नहीं बचा, चलिए शुरू करते हैं। थीटा इज एलिमेंट ऑफ माइनस पाई बाय टू यूनियन माइनस पाई बाय टू जीरो। क्लियर है? तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस पाई लेस देन इक्वल थीटा जीरो। क्लियर? अब हम क्या करें, कैसे इसको उसके एरिया में रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जीरो से और पाई के बीच में हम इसको पलट देंगे, तो ये जीरो हो गया, ये माइनस थीटा हो गया, ये हमारा पाई हो गया। का है भाई, पता है लीनियर इनइक्वालिटी से जो हम लोग काम करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब देखिए जीरो हमने क्या दिया, जीरो, लेकिन माइनस पाई हमको क्या दिया, पाई। क्लियर है? जीरो क्या दिया, जीरो, लेकिन माइनस
एल पाई। अब इसी पर यदि क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, व्हेन थीटा इज एलिमेंट ऑफ कोलोनर यानी कि -π/2 यूनियन -π/2 से 0, तो फिर हमको क्या निकालना है, sec इनवर्स sec थीटा को सॉल्व करना है। तो क्या आएगा, sec इनवर्स sec, यहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, अभी क्या है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा, और इसका आंसर हो जाएगा माइनस थीटा। क्लियर। अब जो है हम क्या बोले कि 0 हमको दिया 0, और इसके बाद क्या है π/2 माइनस में, फिर क्या है -π, -3π/2 और -2π, है ना। तो -π हमको क्या दे रहा है भैया, वो +π का वैल्यू दे रहा है, मतलब वो यहाँ आएगा, है ना। तो अब जो ग्राफ खराब है वो यहाँ से ऐसे खराब होता है, ठीक है। अब ये क्या है कि π/2 पे -π/2 पे यूनियन आएगा, तो -π/2 पे यूनियन आएगा कैसे, तो थीटा तो माइनस थीटा लिख रहे हैं, तो जैसे ही -π/2 को फिर आगे माइनस जाए तो क्या जाएगा +π/2, नहीं समझ में आएगा, -π/2 तो क्या हो गया +π/2 नहीं हो गया, जो है +π/2 पे यूनियन हो गया। क्लियर है। यहाँ पर हमको क्या है भैया, थीटा बराबर माइनस थीटा, तो थीटा बराबर माइनस थीटा। क्लियर है। अब इसको आगे बढ़ा, चलिए तो फिर इसको मिटाते हैं और हम लोग अपने आखिरी पड़ाव पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या आया, यहाँ पे आया हमको माइनस थीटा, डन, कोई कम नहीं है। अब अगला लास्ट हमारा क्या बच रहा है, लास्ट को हमको तनिक देखना है। अब थीटा एलिमेंट है किसका, क्लोज -2π -3π/2 यूनियन, 2 सही से नहीं लिखा है, यूनियन -3π/2 कॉमा -π। क्लियर है, हाँ या नहीं, एकदम डन। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, -2π थीटा यहां पर -π। एक बात हम बताएं, हमको यहाँ साफ है देखने से लग रहा है यदि 2π को जोड़ देंगे तो हमारा कम बन जाएगा, हाँ या नहीं, तो चलिए हम जो है 2π को जोड़ देते हैं, तो -2π θ + 2π ≤ -π + 2π, ये देखिए 0 हो गया, ये 2π + θ हो गया, ये π हो गया, डन हो गया। तो अब हम जब ऐसा रहेगा कंडीशन कि व्हेन थीटा इज एलिमेंट ऑफ -π / -3π/2 यूनियन -3π / -π, तो हम क्या करेंगे, sec इनवर्स sec थीटा बराबर sec इनवर्स sec 2π + θ, है ना, और ये आंसर क्या दे देगा, 2π + θ, डन। तो हम यहाँ पर क्या ले चलते हैं, 2π + θ। अब ये चीज को देखिएगा, ये जो -π है ये हमको क्या दिया, +π का वैल्यू दिया, देखिए यहाँ पे एकदम डन है, -2π क्या वैल्यू दिया, 0 दिया, तो -2π हमको क्या वैल्यू दिया, 0 दिया, ठीक है। अब ये वो बात है कि पिछला पॉइंट, एक तो हम लोग अंदाजी से मार ही सकते हैं, कहां पर अंदाजी से मार सकते हैं, चलिए तो अंदाजी से हमको पता ही था कहां मारेंगे, हम अंदाजी से मारेंगे -3π/2, लेकिन π/2 कहां है यार, इसको देखना है, हम क्या बोले कि 2π + θ यानी कि 2π + -π/2 -3π/2, है ना, 2π - 3π/2 हमको क्या दे देगा, देखिएगा जरा सा कि 2 एलसीएम 2 * 4 π - 3π यानी कि π/2, यहां पे देखिए 2π/2 पे। क्लियर। अब ये क्या है हमारा, तो यहां पर आ जाएगा थीटा बराबर 2π + θ, डन। अब हम क्या करेंगे, इसका वही टेबल कुर्सी को बचा था, टेबल कुर्सी का काम कर लेते हैं, क्या लिख देते हैं, sec इनवर्स sec थीटा बराबर व्हेन, पहले अभी व्हेन नहीं लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पहले ये वाला वैल्यू लिख देते हैं 2π + θ, फिर क्या -θ, फिर क्या थीटा, उसके बाद क्या 2π - θ, ठीक है। कब देखिए, बहुत ढंग से इसको लिखा जा सकता है, यूनियन के पेज में भी लिख सकते हैं या थीटा एलिमेंट ऑफ फलाना चिलाना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, थीटा एलिमेंट ऑफ यहां कितना है, क्लोज -2π - -3π/2 यूनियन -3π/2 - π, क्लोज, ठीक है। अब ये कहां हो जाएगा, हुए थीटा एलिमेंट ऑफ ये वाला कहां है, ये भैया -π - π/2 यूनियन -π/2 से 0, क्लोज। क्लियर है। अब इसमें भैया हुए थीटा एलिमेंट ऑफ 0π/2 यूनियन π/2 से π, क्लोज। हुए थीटा इज एलिमेंट ऑफ क्लोज, यहां पे क्या π 3π/2 ओपन यूनियन 3π/2 कमा क्लोज 2π,
डन हो गया, इधर क्लियर है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, हो गया ये हमारा सेक इनवर्स का ग्राफ। अब जो है हमारा अगला क्या बच रहा है, वो जो अगला है वो बच रहा है कोसेक इनवर्स का। तो चलिए हम लोग जो है कोसेक इनवर्स की ओर चलते हैं। ये था ना थोड़ा सा टफ, इसलिए जो है हम लोग इसका सेपरेट वीडियो बनाए, ठीक है, कि आप लोग को कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रहे, कैसे एंगल घूम रहा है कैसे नहीं घूम रहा है सब चीज को देख रहे हैं। देखिए पसीना पसीना हो गया। एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है कि एसी हम लोग अभी चला नहीं सकते हैं, कहीं कोरोना है सबसे बड़ा वो बात। दूसरी बात क्या है कि गर्मी बहुत ज्यादा, पूरा पसीना आ गया, पंखा बंद रख रहे हैं, नहीं तो आवाज जो है पंखे का ज्यादा जाएगा, आपको आवाज नहीं आएगा, पूरा पसीना पसीना हो रहा है। ऐसे ही पसीना पसीना हो गया, पढ़िए जब आपका मेहनत आपके पसीने में दिखेगा ना, तो मेहनत का जो रिजल्ट है आपके मार्कशीट में दिखेगा, आपके रैंक में दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अब जो है इसको यहाँ स्टिक करना है, काहे करना है, तुरंत शुरू में बताया है, इस वीडियो के शुरू में ही हम बताए, क्लास के शुरू में बता चुके हैं आपको, तो इसका तो रेस्ट्रिक्शन है क्लास का है। फिर देखिए ये भी जो है ना π/2 इसे करके भाग रहा है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, शुरुआत करें तो बोलिए जय माता दी, शुरू करते हैं -π/2 से 0, उसके बाद यूनियन 0 से π/2, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अब आप बताइएगा, आप कौन बताइएगा, हमको बताना होगा। चलिए ठीक है, अब लिख सकते हैं कि π/2 से पाई, और उसके बाद यूनियन पाई से 3π/2, सही जा रहा है। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े ना, देखिए अब क्या करेंगे, इसका ठीक मिरर इमेज हम इधर लेकर के आ जाते हैं, इधर कर लो, क्या हो जाएगा -π/2 से -π, ठीक है। अब इसके बाद यूनियन, अब इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा -π से -3π/2 कर लो, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करें, एक बार और बढ़ा लेते हैं, ऊपर कर रहे तीन एक हो गए, देखिए 1, 2, 3 एक बार और दोनों साइड बढ़ा लो, 5-5 हो जाएगा है ना, तो लगमा तरी को अच्छा लगेगा देखने में। दो क्या भेजेगा चुरू भर गए ना, कहीं इतनी पानी में नाको नहीं लगाएगा, लोग कहता है चुरू भर पानी में डूब मरो, ऐसा कंडीशन कैसे आएगा, लॉजिक कुछ रहता नहीं है, बातचीत नहीं बोल देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करेंगे, देखिएगा ये क्या हो गया 3π/2 से, फिर इसे π/2 जो दिएगा कितना तक चलिएगा 2π चलिएगा, यहाँ जो है यूनियन क्या है 2π से 5π/2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, π/2 जो एकदम क्लियर है। अब आगे बढ़ रहे बाबू, हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बॉर्डर में पसीना लगे, अब आगे देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये हम एक काम करते हैं उल्टे चलते हैं, -π/2 से -2π चलेंगे, यूनियन -2π से जो है हम चल जाएंगे -3π/2 तक, ठीक है। ये हो गया पहला आपको निकालना है इसका, दूसरा इसका निकालेंगे, तीसरा हम इसका निकालेंगे, चौथा हम इसका निकालेंगे, और पांचवा हम इसका निकालेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इसको उसी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, कहां से कहां चलिए क्या देखते हैं, इसमें तनी को चेंज हो जाएगा, ई एक्सेस के नीचे भी जाएगा, क्या है कहे कि ये जो है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में राइट कर रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर π/2 यदि रख रहे हैं तो यहाँ हमारा हो गया -π/2, चलिए फिर यहाँ पे π/2, यहाँ पे π 3π/2, यहाँ पे 2π के बाद 5π/2, 5π/2 से ज्यादा हम लिए नहीं है, चलिए यहाँ -π/2 -π -3π/2 -2π -5π/2 डन, ठीक है। अब हम इसके लिए पहला में चल रहे हैं, तो पहला तो कुछ नहीं है कि थीटा इज एलिमेंट ऑफ -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, थोड़ी देर पहले बताया कि पिछला को नहीं लिया जाता है कि हो जाता है माइनस की उसमें घटा करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या हो गया कि -π/2 लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल π/2, ठीक है, तो ये तो अपने ही घर पे है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, यानी कि हमको यदि इस तरह का कंडीशन रहेगा कि जब थीटा जो है इसके एलिमेंट है -π/2 से 0 और 0 से π/2 का, तो हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा, क्लियर है। अब देखिएगा -π/2 को -π/2 का -π/2 पे, +π/2 तो +π/2 का +π/2 पे, यहां से आइए अब बीच में 0 से होकर के गुजर रहा है ना, क्लियर है, यूनियन है वहां पर 0 से गुजर रहा है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक चीज छोड़ दिया गया, यहाँ पे लिखना होगा कि थीटा बराबर थीटा, हर जगह का भी यहाँ पर छोड़ देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, थीटा बराबर थीटा। अब इसको हम मिटा के आगे बढ़ते हैं, अब जो है हमारा दूसरा है, दूसरा हमारा क्या है भैया, चलिए कि थीटा एलिमेंट है π/2 π यूनियन π 3π/2,
टू, एकदम क्लियर है ना कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो है इसको हम लोग अलग अलग पहले उस ढंग से लिख लेते हैं, क्या लिखिए, पाई बाय टू लेस देन इक्वल थीटा और लेस देन इक्वल थ्री पाई बाय टू। क्लियर, पाई को किस में है ये है, कोई गलत नहीं है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में लाइक करा दे, तो इसमें इस सब को जो है पाई में डायरेक्टली घटा दे, इसको जो है घटा देंगे तो फिर आंसर हमारा गड़बड़ आ जाएगा। थोड़ा सा हमको उम्मीद है कि ये डायरेक्ट घटेगा तो गड़बड़ आएगा, तो एक काम करेंगे पहले से सबको पलट लेते हैं। तो माइनस थ्री पाई बाय टू माइनस थीटा माइनस पाई बाय टू, फिर से बता दे रहे ऐसा हम काहे के लिए इनइक्वालिटी से कारण किए। ठीक है, अब सब हमें पाई जोड़ दीजिए, तो माइनस थ्री पाई बाय टू प्लस पाई माइनस थीटा प्लस पाई माइनस पाई बाय टू प्लस पाई। देखिए ये माइनस पाई बाय टू दे दिया, ये पाई माइनस थीटा हो गया, ये जो है हमारा प्लस पाई बाय टू दे दिया है ना। तो इस कंडीशन में जबकि थीटा व्हेन थीटा एलिमेंट ऑफ पाई बाय टू टू पाई पाई यूनियन पाई से थ्री पाई बाय टू, तो हम क्या करेंगे पाई माइनस थीटा, और क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, और कंडीशन क्या दिया है जबकि थीटा एलिमेंट हमारा पाई बाय टू पाई यूनियन पाई से थ्री पाई बाय टू, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक पाई माइनस थीटा, लिख देते हैं पाई माइनस थीटा, और ये सॉल्व हो गया, वो क्या देगा पाई माइनस थीटा ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं कि थीटा बराबर पाई माइनस थीटा है ना। अब देखिएगा थ्री पाई बाय टू हमको क्या दिया, माइनस पाई बाय टू दिया, तो थ्री पाई बाय टू हमको क्या दे रहा है माइनस पाई बाय टू दे रहा है ना, और पाई बाय टू हमको क्या दे रहा है पाई बाय टू दे रहा है, पाई बाय टू में पाई बाय टू आ गया, थ्री पाई बाय टू हमको माइनस पाई बाय टू दे रहा है, इसके लिए हमको यहाँ पे आना होगा इसके लिए आई जो है पाई से होकर के गुजर जाएगा। ठीक है, तो डन रहा कि पाई सौ का भी गुजर गया, अब इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग जो है लगभग काम कर चुके हैं, एक और यहां पर हमारा ई बच गया, थीटा एलिमेंट ऑफ थ्री पाई बाय टू से टू पाई यूनियन टू पाई से फाइव पाई बाय टू, डन है, यानी कि थ्री पाई बाय टू लेस देन इक्वल थीटा लेस देन इक्वल फाइव पाई बाय टू। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या है कि व्हेन थीटा इज एलिमेंट ऑफ थ्री पाई बाय टू से टू पाई और टू पाई से फाइव पाई बाय टू, तो अब हम क्या करेंगे एक काम करेंगे इसमें डायरेक्ट टू पाई घटा दे, तो हम लोग आ जाएंगे टू पाई माइनस थीटा, फिर से कोई भी चीज अपने घर में आ जाएगा ये है ना। ठीक है, टू पाई माइनस थीटा तो थ्री पाई बाय टू माइनस टू पाई थीटा माइनस टू पाई फाइव पाई बाय टू माइनस टू पाई, क्यों घटा रहे हैं इसके ठीक पहले के वीडियो में आप समझ गए होंगे, केवल हमने रिस्ट्रिक्शन के लिए इसका अलग वीडियो बनाया कि इसका रिस्ट्रिक्शन कैसे करना है काय करना है कहां पे करना है इसके लिए अलग वीडियो बनाया, बाकी इसके पहले के वीडियो में आप जरूर देखिएगा। अब आगे चलते हैं, ये क्या हो गया हमारा माइनस पाई बाय टू थीटा माइनस टू पाई आई हो गया हमारा पाई बाय टू, क्लियर डन। अब हम जब कंडीशन हम निकालेंगे थीटा माइनस टू पाई, तो यहां पर लिख लेते हैं ये थीटा माइनस टू पाई के बराबर है। ठीक है, थीटा माइनस टू पाई का यहाँ पर लिखना छोड़ दीजिए, थीटा बराबर पाई माइनस थीटा। अब आगे आते हैं, यदि कंडीशन ये दिया रहेगा कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो हम क्या लिखेंगे कोसेक इनवर्स कोसेक क्या है अभी क्या रहा है थीटा माइनस टू पाई, तो थीटा माइनस टू पाई सॉल्व हो गया, हम क्या देगा थीटा माइनस टू पाई डन, ये हो गया थीटा माइनस टू पाई। अब देखिएगा थ्री पाई बाय टू क्या दिया माइनस पाई बाय टू थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू अवेलेबल है, अगला क्या दे रहा है दिया फाइव पाई बाय टू हमको दे रहा है पाई बाय टू, तो चलिए फाइव पाई बाय टू के लिए पाई बाय टू। ठीक है, देखिए टू पाई बीच में यूनियन है, बीच में हमारा टू पाई का अवेलेबल हो गया ना, क्लियर है। और हमको इसका सोल्यूशन क्या था कि थीटा बराबर थीटा माइनस टू पाई डन। चलिए अब इसको मिटाते हैं, अब जो है आखिरी दो को बचा है और उसके बाद हमारा ये ग्राफ जो है कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का क्लियर हो जाएगा। अब अगला क्या है भैया कि थीटा एलिमेंट ऑफ माइनस थ्री पाई बाय टू माइनस पाई यूनियन माइनस पाई माइनस पाई बाय टू, हम लोग जैसे कि अभी शुरू से करते आ रहे हैं इधर का ये वाला ले लेंगे लेस देन थीटा लेस देन इक्वल माइनस पाई बाय टू, क्योंकि माइनस पाई दोनों है यहाँ माइनस छूट गया है ना डन। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सोचते हैं पलट दीजिए तो एक बार के लिए, तो ये हो गया पाई बाय टू, ये हो गया माइनस थीटा, ये हो गया थ्री पाई बाय टू। अब इसमें से यदि हम पाई को घटा दें हमको अपना वो वैल्यू मिल जाएगा जहां पर हमको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो माइनस थीटा माइनस पाई थ्री पाई बाय टू माइनस पाई, ये हो गया हमारा माइनस पाई बाय टू, ये माइनस थीटा माइनस पाई, और ये हमारा क्या हो गया पाई बाय टू हो गया, क्लियर।
यानी कि अब हम इसके लिए क्या ले आए, इसके लिए थीटा बराबर माइनस थीटा माइनस पाई, डन है। तो अब कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, कब, जबकि हुए थीटा एलिमेंट ऑफ माइनस थ्री पाई बाई टू कॉमा पाई यूनियन माइनस पाई माइनस पाई बाई टू, डन। आगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स कोसेक कोसेक माइनस थीटा माइनस पाई, और ये हो जाएगा हमारा माइनस थीटा माइनस पाई, डन। अब देखिएगा यहां पर माइनस पाई बाई टू हमको क्या वैल्यू दे रहा है भैया, माइनस पाई बाई टू वैल्यू दे रहा है, तो माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू पे है, लेकिन माइनस थ्री पाई बाई टू हमको क्या दे रहा है, पाई बाई टू, तो माइनस थ्री पाई बाई टू भी हमको जाना है पाई बाई टू, पाई बाई टू हमारा यहाँ जो इससे होकर गुजरेगा, देखिए माइनस पाई पे हमारा इन वो कहता है कोवन पॉइंट आ गया, इंटरसेक्शन है ना वो, चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब एक बचा और वो आखिरी बचा है, फिर इसके बाद इसका टेबल बना लेंगे और ये खत्म हो। अगले दिन जो है हम अगले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसे कि साइन इनवर्स माइनस थीटा कैसे कहां पर क्या होता है, उसके बाद टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होगा, कई कई रहता है कि इसको सिंपलीफाई कीजिए, अंडर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स को क्या मानेंगे काहे मानेंगे, सब चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल लास्ट पे चलते हैं, थीटा एलिमेंट है क्या जिसका, माइनस फाइव पाई बाई टू कमा माइनस टू पाई यूनियन माइनस टू पाई माइनस थ्री पाई बाई टू, डन है। फिर से वही देखें कि माइनस फाइव पाई बाई टू लेस देन इक्वल, ठीक है, लेस देन इक्वल माइनस थ्री पाई बाई टू, कब, जबकि थीटा जो है एलिमेंट है माइनस फाइव पाई बाई टू माइनस टू पाई यूनियन माइनस टू पाई से माइनस थ्री पाई बाई टू, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें डायरेक्ट टू पाई को जोड़ देते हैं, तो हमारा जो है इजिली आ जाएगा माइनस फाइव पाई बाई टू प्लस टू पाई थीटा प्लस टू पाई माइनस थ्री पाई बाई टू प्लस टू पाई, भाई भैया टू पाई में जाने के बाद हम अपने घर में घुस जाएंगे, है ना। चलिए अब ये हो गया माइनस फाइव बाई टू, ठीक, तो इसको लिख दे टू पाई प्लस थीटा थोड़ा सही रहेगा, उल्टा ऐसे लगता है, ये हो गया हमारा पाई बाई टू। तो अब क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर कोसेक इनवर्स कोसेक क्या है टू पाई प्लस थीटा, कब, और ये क्या दे देगा टू पाई प्लस थीटा, लेकिन कब, जब थीटा एलिमेंट है माइनस पाई बाई टू से माइनस टू पाई माइनस टू पाई से माइनस थ्री पाई बाई टू के बीच का, क्लियर है। अब जो है देखिएगा भैया माइनस फाइव पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू दे रहा है, माइनस फाइव पाई बाई टू जो है यहाँ पर ये हमको दे रहा है पाई क्या था माइनस पाई बाई टू का वैल्यू, यानी कि यहाँ पर हमको यहाँ आना है, और जो है माइनस थ्री पाई बाई टू दे रहा है पाई बाई टू, तो माइनस थ्री पाई बाई टू दे रहा है पाई बाई टू, डन। कुछ एक चीज छोड़ दिए थे शायद, हमको लग रहा है पिछले बार यहाँ पे लिखना थीटा बराबर माइनस थीटा माइनस पाई, और अभी जो आया वो क्या आया, हमारा आया थीटा बराबर टू पाई प्लस थीटा, क्लियर है, ये क्या आ गया टू पाई प्लस थीटा, डन। अब चलिए इसको जो है टेबल कुर्सी के रूप में सजा लेते हैं, गर्मी बहुत है, और उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा शाम में चाय पकौड़ी खा लेते हैं, टेबल बंद है ना, तब ना चाय पकौड़ी खाइएगा, मुझे खाइएगा, चलिए क्या चीज करके खाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या चीज का टेबल बना रहे भैया, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का टेबल, थोड़ा छोटा लिखेंगे तो उधर भी तो लिखना है, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का हमको टेबल बनाना है, ठीक है। तो जो है शुरू कीजिए, पहला क्या है भैया, इधर से शुरू करते हैं कि थीटा बराबर यहाँ पे क्या आया था, थीटा बराबर टू पाई प्लस थीटा, थीटा बराबर टू पाई प्लस थीटा, अगला क्या है थीटा बराबर माइनस थीटा माइनस पाई, अगला क्या है थीटा बराबर थीटा, अगला क्या है थीटा बराबर पाई माइनस थीटा, अगला क्या है थीटा बराबर थीटा माइनस टू पाई, ठीक है। अब देखिए इसका जो है शॉर्ट ट्रिक भी होता है कि कैसे एग्जाम में अगर भैया इतना इतना हट गए उसका भी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन यदि पूछ दिया कल से पहले कि काहे वो तकलीफ फिर आप मुंबा दीजिएगा, पहले कभी अच्छी आगे बत्तीस ही दिखा दिए तो अच्छा होता नहीं है, बत्तीस ही कभी कभी दिखाने का, लेकिन हर जगह बत्तीस ही नहीं दिखाना, इसका शॉर्ट ट्रिक है बन जाएगा, लेकिन जो है ना थोड़ा सा जो इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको हम क्या लिखेंगे, थीटा इज एलिमेंट ऑफ किसका 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 किसका, यहाँ माइनस फाइव पाई बाई टू से माइनस टू पाई यूनियन माइनस टू पाई से माइनस थ्री पाई बाई टू, डन। ये कब, जबकि थीटा जो है एलिमेंट है माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई यूनियन माइनस पाई से कहीं गड़बड़ हो गए
ये दूसरा क्या वाई स्क्वायर बाय टू से माइनस फाइव, माइनस फाइव से माइनस फाइव बाय टू, डन। ये कब हो जाएगा जबकि थीटा एलिमेंट है किसका, माइनस फाइव बाय टू से जीरो का यूनियन जीरो से फाइव बाय टू का, डन। अगला क्या है, थीटा जो है एलिमेंट है किसका भैया, पाई बाय टू से पाई का यूनियन पाई से थ्री पाई बाय टू का। ये कब है जबकि थीटा जो है एलिमेंट है क्या चीज का, थ्री पाई बाय टू से क्या, थ्री पाई बाय टू से टू पाई यूनियन टू पाई से फाइव पाई बाय टू का, डन। तो ये हम लोग आज कर लिए, सेक इनवर्स सेक थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा का ग्राफ, सबका टेबल भी बना लिए, ग्राफ भी खींच लिए, कहां पर कौन कटेगा, कहां ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये सब समझ लिए। देखिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उसको शेयर कीजिए, और हाँ जो बता रहे उसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बाबू बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, कि बेसिक कॉन्सेप्ट का एक झलक तो जरूर देखिए, जो कि आपको शायद किताब पढ़ने के बाद नहीं समझ आते कहां कर रहे, खाली देख के याद हो गया, हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर का क्या कारण है, उसके अंदर का क्या रहस्य है, ठीक है। तो चलते हैं, हाथ धोते रहिए लगातार, जो है दो गज का दूरी, मास्क है जरूरी, सबको फॉलो करते रहिए, सैनिटाइजर का हमेशा इस्तेमाल कीजिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, घर में रहिए, कोरोना से बचिए, जान है तो जहान है, धन्यवाद, थैंक यू।